भाई ये फिल्टर प्लांट जो कि सब आसपास के 50 गांवों में बड़े शुद्ध प्योर पानी मिलेगा, तो पानी की समस्या खत्म होगी। तो हमारे साथ ही यहाँ के बताएंगे किस तरह के से पानी आएगा, फिल्टर होगा। देखिए ये वाली लाइन ये हो गई, ये हो गई। चलो आगे साइगढ़ जा रही है, ये वाली तो साइगढ़ से आई है, अरे ये वाली है ना यूं होके इधर जा रही है। ठीक है, और ये नीचे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा काला पाइप, ये 200 का पाइप वहाँ के पुलिया के पास छोड़ रखा है। पूरे कोयला में नई लाइन डलेगी, पूरे कोयला अभी पुरानी लाइन, पुरानी लाइन बंद हो जाएगी, सारे कनेक्शन इसके ऊपर शिफ्ट होंगे पूरे। वापिस और सीसी वगैरह सब को लेंगे, उखड़ेगी सीसी, इसलिए कह रहा हूँ। और यहाँ पे इसमें मीटर लगा हुआ है, इधर वाल है और इधर इसमें मीटर लगा हुआ है। ये हाँ सर, और कहाँ कहाँ का कनेक्शन है इसमें? नहीं हुआ ना, वो तो वहाँ जाके बात करानी पड़ेगी सत्यनारायण ने, अमरपुरा और म्याड़ा कोयला, वहाँ नहीं कर रहे हैं फोन, तो वैक्सीन साहब ये सारा इस टंकी से कनेक्शन है, इस टंकी के द्वारा एक है जो टंकी के अंदर जा रहा है पानी, और वापिस जो ये पाइप आ रहे हैं उसके द्वारा ये जो सारा सिस्टम लगा हुआ है इसमें से गांव में वितरण होगा पानी। उसी के वाल लगे हुए हैं जो पूरे गांव में कनेक्शन है उसके द्वारा जाएगा। चैम्बर से सीधे वहाँ के फिटगड़ी ब्लीचिंग घुलती है, वहाँ फिटगड़ी ब्लीचिंग घुल फिर वो एक क्लेरिफाई बना हुआ, उस क्लेरिफाई में जाता फिल्टर बेड में जाता, फिल्टर बेड में बस मीडिया डला हुआ है, फिर सैंड डली हुई है, सैंड के अंदर से छण के फिर जाता है वो चैम्बर में, फिर एक आगे और चैम्बर बना हुआ सीसीटी बोलते हैं उसको, क्लोरीन कॉन्टेक्ट चैम्बर, फिर उसमें क्लोरीन मिक्स होती है, ये पीले वाला सिलेंडर है ना वो क्लोरीन मिक्स होती है, फिर क्लोरीन मिक्स होकर फिर वो पंपिंग होती है, फिर पंपिंग होकर फिर इसी भैया इस पंप हाउस से 9 टंकियाँ भरेगी, इस पंप हाउस से 9 टंकियाँ भरेगी। तो यहाँ के जो काम करते हैं इनके बारे में जानकारी है, तो बता रहे थे कि इसकी 9 टंकियाँ भरेगी जो आसपास के गाँव में बनी हुई है, तो उस टंकी के माध्यम से जितने भी गाँव में कनेक्शन है वहाँ पर पानी पहुँचेगा। तो बॉडी बहुत ही खुशी की बात है ये, क्योंकि आने वाले समय में जो सबसे बड़ी समस्या रहेगी वो पानी की ही है। जो ये वाला सिलेंडर है ना, ये इसमें 900 किलो क्लोरीन गैस है, 900 किलो। और ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं इसमें क्लोरीन गैस भरी हुई है, तो इसमें इसकी मात्रा है 900 किलो। इसकी क्षमता होगी खत्म होगा ये गैस। जो भी होता है बैक्टीरिया, तो ये सारा सिस्टम क्लोरीन गैस का है, जो आपने अभी पाइप देखे थे तो उसको पानी में मिलाया जाता है क्लोरीन गैस को, जिससे पानी और ये जो सारा सिस्टम आप देख रहे हैं ये बड़ा बड़ा जी फैंडी पड़ो लिया चार भरेगी।
और ये जो पंप देख रहे हैं आप, इससे आसपास की जो भी बड़ी टंकियां बनी हुई है गांव के, उसमें सारा पानी जा रहा है। तो 1, 2, 3, 4 जो अब आप ये देख रहे हैं, इसका सारा पानी प्रेशर के द्वारा बड़ी बड़ी टंकियों में सप्लाई हो रहा है। तो अभी ये चालू है मशीन और इसका पानी सप्लाई हो रहा है। ये चैम्बर जिसमें सारा सिस्टम कंट्रोल होता है, तो इसमें बंद ऑफ के सारे सिस्टम है। तो यहाँ से सारा सिस्टम कंट्रोल किया जाता है, इसमें पावर ऑफ ऑन, कितना प्रेशर है, वो सारी व्यवस्था, सारा कंट्रोल यहाँ से होता है। और आप जो ये देख रहे हैं मीटर, इसमें रीडिंग आती है, कितना पानी सप्लाई हो चुका है, कितना मात्रा में पानी सप्लाई हो चुका है। और ये 45 इनकी संख्या है। ये 2 साल से इस पूरा सिस्टम का काम चालू हो रखा है, 2 साल से प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब पूरे गांव में इसका पानी सप्लाई होगा। तो बहुत ही हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। चाय बना रहे ये भाई साहब। जो भी तत्व हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं।